As you're pointing out, Gursimran, it's essentially that comment coming ahead of this meeting that's being held by the Prime Minister in the national capital to, in a sense, put across the point of view that the Gupkar gang, which of course has been talking about the taking back of the abrogation of Article 370, has no right to speak for us. I'm going to come to you in just a bit, but let's listen into that comment that came in earlier from Jamyang Sering. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पॉलिटिकल पार्टीज को दिल्ली बुला के जो बात करने का निर्णय लिया है, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस कदम को सराहना करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यह विजन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये झलकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मीडिया के सोर्सेज से यह पता चल रहा है कि गुप्कर अलायंस के अपने एजेंडा पॉइंट्स में भी उन्होंने लद्दाख को कश्मीर के साथ फिर से जोड़ने का जो बात आगे रखने जा रहा है, तो मैं इसमें पूरे लद्दाख के बिहाफ से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि लद्दाख वालों ने गुप्कर अलायंस को लद्दाख के बारे में बात करने और लद्दाख की भूमि के बारे में बात करने, लद्दाख के लोगों के बारे में बात करने का कोई हक हमने नहीं दिया है, और गुप्कर अलायंस को लद्दाख से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और तीसरी बात, जब भी लद्दाख के बारे में जिक्र होगा, चर्चा होगा लद्दाख के भविष्य के बारे में, लद्दाख के लोगों के बारे में, वो लद्दाख के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहां है, लद्दाख के जो वरिष्ठ नेतागण है, लद्दाख के सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिकल पार्टी से, हम सब विचार विमर्श करके जो लद्दाख के हित में होगा, देश के हित में होगा, वो हम अपने बातें जो है आगे समय आने पर रखेंगे। लिहाजा गुप्कर अलायंस को लद्दाख के बारे में कोई बात करने का हमने अधिकार नहीं दिया है। ये